हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी एंड अपॉन ए माइनस आयोटा बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो आपका इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है आपको, तो आपने क्या करना है कि इसका जब ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो इनके कॉन्जुगेट भी इक्वल आएंगे, और यदि इसका मॉडुलस और इसका मॉडुलस भी इक्वल आएगा, तो जो कॉन्जुगेट से आप निकालोगे वो आपका इजी मेथड है, टाइम कम लगेगा उसमें. तो दीज टू आर इक्वल, देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ दिस मींस एक्स प्लस आयोटा वाई, कॉन्जुगेट ऑफ दिस दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी कॉन्जुगेट ऑफ दिस. अब इसका जो कॉन्जुगेट है वो आपका x माइनस आयोटा वाई, इसका जो कॉन्जुगेट है वो a माइनस आयोटा बी, इसका जो कॉन्जुगेट है वो आपका a प्लस आयोटा बी. सो दिस इज नंबर टू इक्वेशन एंड दिस इज नंबर वन गिवन. मल्टीप्लाइंग वन एंड टू, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई दैट विल बी इक्वल टू a माइनस आयोटा बी a प्लस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी. ये आपको इसका आंसर मिलेगा. अब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड दिस ऑल्सो बी ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर. तो ये आपका कंप्लीट पार्ट कैंसिल हो जाएगा, देन इट विल बी प्लस, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू वन. ये आपने प्रूव करना था इसको. अब इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन है इसमें कि ये जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है आपका सेम क्वेश्चन है, आप उसको ट्राई कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर फोर आपका इसी तरह से है, और क्वेश्चन नंबर इलेवन वो भी आपका इसी तरह से है. तो आप इन दोनों को इसमें ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थ्री प्लस टू आयोटा साइन थीटा अपॉन वन माइनस टू आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल. अब ये आपका प्योरली रियल है, इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर विल बी जीरो. तो इसको मैं पहले रियलाइज करता हूँ. तो थ्री प्लस टू आयोटा साइन थीटा अपॉन वन माइनस टू आयोटा साइन थीटा इंटू वन प्लस 2 iota sin theta upon 1 plus 2 iota sin theta. मैंने इससे मल्टीप्लाई किया. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 बंदा 3, 3 से इसको किया तो 6 iota sin theta, 2 से इसको किया तो 2 iota sin theta, आपने इसको किया तो प्लस 4 iota square sin square theta upon a प्लस बी और a माइनस बी, वन माइनस फोर आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब यहाँ पर आप आयोटा स्क्वायर को माइनस वन पुट कर देते हैं तो ये आपका माइनस फोर, तो थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा. मैंने ये पार्ट अलग कर लिया, इन दोनों का ऐड हो गया आपका एट आयोटा साइन थीटा अपॉन, ये आपका प्लस हो जाएगा तो मैंने इसको अलग कर दिया है, वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे भी वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा. तो ये जो आपका पार्ट है इट इज़ द इमेजिनरी पार्ट. अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर इज ज़ीरो बिकॉज इट इज प्योरली रियल. तो पुट दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, सो यू विल गेट एट साइन थीटा अपॉन वन प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो. अब आपका ये जीरो हो जाएगा तो मीन्स एट साइन थीटा इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ज़ीरो, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन एन थीटा. तो ये आपका जीरो हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू एन पाई. ये इसका आपका आंसर आ जाएगा. योर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स माइनस आयोटा वाई, x माइनस आयोटा वाई इंटू थ्री प्लस फाइव आयोटा
इज कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24 आयोटा. सो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस. इट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस दैट विल बी इक्वल टू -6 +24 आयोटा. ये इसका कॉन्जुगेट है. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दिस विल बी इक्वल टू x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 3x +5x आयोटा -3y आयोटा एंड -5y आयोटा स्क्वायर. अब मैं इसको यहाँ पर इज इक्वल टू -6 +24 आयोटा. अब ये आपका आयोटा स्क्वायर -1 तो आपका 3x +5y ये रियल पार्ट प्लस आयोटा इन दोनों से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो ये आपका 5x -3y इज इक्वल टू -6 +24 आयोटा. ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स तो रियल पार्ट आपका ये है. इट मीन्स 3x +5y इज इक्वल टू -6 एंड 5x -3y इज इक्वल टू 24. ये आपके दोनों है. अब इनको सॉल्व करते हैं तो इक्वलाइज करने के लिए मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 3 = 15x प्लस 5 × 5 = 25y इज इक्वल टू 5 × 6 = 30. इसको मैंने 3 से किया 15x -9y इज इक्वल टू 3 से आपका 72. अब इन दोनों को मैंने माइनस किया ये आपका कैंसिल हो जाएगा एंड 9 और 34y इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे 0 और 102 माइनस का तो y इज इक्वल टू -3. अब y इज इक्वल टू -3 मैं इसी इक्वेशन में पुट करता हूँ मीन्स 5x -3 इंटू -3 इज इक्वल टू 24. सो 5x +9 इज इक्वल टू 24 एंड 5x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 3. देयरफोर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -3. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x प्लस आयोटा y टू द पावर 3 इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v देन फाइंड द वैल्यू ऑफ u अपॉन x प्लस v अपॉन y. तो अब इसमें इसको एक्सपेंड करते हैं a प्लस b होल क्यूब. तो a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² एंड b प्लस 3a एंड b स्क्वायर. ये मैंने आइडेंटिटी लिख दिया आपके. अब आयोटा स्क्वायर को माइनस वन इसको आपका आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. इट मीन्स एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब एंड दिस विल बी प्लस 3x² आयोटा एंड दिस इज -3xy². अब ये आपका रियल पार्ट और ये आपका इमेजिनरी पार्ट. तो इसको मैं एक्स क्यूब -3xy² प्लस मैंने आयोटा कॉमन लिया तो ये आपका 3x² -y³ इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी. ये गिवेन है ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. सो यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3xy² एंड वी इज इक्वल टू 3x² -y³. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई. सो यू इज एक्स एक्स कॉमन निकालता हूँ यहाँ से तो ये आपका x² -3y² अपॉन एक्स और इससे मैं वाई कॉमन निकालता हूँ तो ये आपका 3x² -y² अपॉन वाई. वाई से आपका ये वाई कैंसिल आउट होगा एक्स एक्स. इट मीन्स यू विल गेट x² -3y² प्लस 3x² -y² आपका ये आपका 4x² हो जाएगा और -4y² 4 इज कॉमन देन यू कैन राइट x² -y². तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ मॉड ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 - α conjugate बीटा मॉड ऑफ दिस.
इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ मॉड वी कैन राइट बीटा बीटा कॉन्जुगेट दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। ये आपका बीटा बीटा जो कॉन्जुगेट है वो मॉड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें मॉड ऑफ बीटा बना, इट मीन्स बीटा बीटा कॉन्जुगेट दैट विल बी इक्वल टू वन। तो मैं यहाँ पर वन को बीटा बीटा कॉन्जुगेट लिखता हूँ, मीन्स दिस विल बी बीटा माइनस एल्फा अपॉन बीटा बीटा कॉन्जुगेट माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा मॉड ऑफ दिस। अब मैंने यहाँ से बीटा माइनस एल्फा, यहाँ से बीटा कॉमन निकालते हैं तो ये बीटा कॉन्जुगेट माइनस एल्फा कॉन्जुगेट एंड मॉड ऑफ दिस। अब मॉड की प्रॉपर्टी है डिनोमिनेटर में, तो आपका इसका मॉड अलग निकालेंगे, देन बीटा माइनस एल्फा मॉड ऑफ दिस अपॉन बीटा एंड बीटा कॉन्जुगेट माइनस एल्फा कॉन्जुगेट इसका मॉड। और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि आप इसका मॉड अलग लिखेंगे, इसका मॉड अलग लिखेंगे, देयरफॉर इट विल बी बीटा माइनस एल्फा का मॉड अपॉन बीटा मॉड इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस एल्फा कॉन्जुगेट का मॉड। अब आप इसमें से बीटा कॉन्जुगेट ये आपका वन है, और प्रॉपर्टी है कि आपका मॉड ऑफ जेड दैट विल इक्वल टू मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट, तो ये आपका बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट है और ये बीटा माइनस, इट मीन्स दीज टू विल बी इक्वल, सो बीटा मॉड इज वन, देयर फोर आंसर दैट विल बी इक्वल टू वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस इफ वन माइनस आयोटा मॉड टू द पावर एक्स दैट विल बी इक्वल टू 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 द पावर एक्स। अब मैं इसका मॉड निकालता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज विल बी वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इट मीन्स रूट टू, इट विल बी मॉड टू द पावर एक्स, और इसकी पावर आपकी हाफ होती है, इट मीन्स टू टू द पावर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 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 द पावर एक्स। तो बेस सेम है, पावर आपकी इक्वल हो जाएंगी, इट मीन्स एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स, तो टू एक्स इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू जीरो, तो आपका x है तो नॉन जीरो सॉल्यूशन, क्योंकि ये मेरा x जीरो ही आ रहा है तो इसका कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है, इट मीन्स नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशंस आर जीरो, उसका कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है इसका। नेक्स्ट आपका है कि इफ वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा टू द पावर m दैट इज इक्वल टू वन, तो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m। अब लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो पहले मैं इसको रियलाइज करता हूँ, तो वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा और इंटू वन माइनस आयोटा, तो साइन चेंज करके प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस आयोटा टू द पावर m दैट इज इक्वल टू वन। ये आपका ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज वन प्लस वन माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये वन और वन आपका ये कैंसिल हो जाएगा, टू आयोटा अपॉन टू दैट विल बी आयोटा टू द पावर m, सो दिस वन कैन बी माइनस वन इंटू माइनस वन, और माइनस वन दैट इज आयोटा स्क्वायर और इंटू दिस इज ऑल्सो आयोटा स्क्वायर, सो आयोटा पावर फोर इज इक्वल टू आयोटा पावर m, ऑन कंपेयरिंग यू विल गेट m इज इक्वल टू फोर, सो लीस्ट वैल्यू ऑफ m दैट इज फोर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर watching.